Hey, what's up everyone? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह तैयारी लद्दाख की। अभी समय हुआ है 4। उठ गया था मैं 3 बजे। 3 बजे उठ के अपना बैग पैक एंड ऑल सारी तैयारी करके, एंड अपना चीता है फुली लोडेड, एंड देन साथ में एक गाड़ी जो साथ में जाएगी। देखो भाई, ये वो न्यू टेक्सचर्स हैं जो हमने अपने चीते को दिए हैं। सो बाइक अपनी रेडी हो गई है, साथ में आर्मी कलर का ये नेक्सॉन घोड़ा बोले तो, जिसमें सौरभ और सैंडी ने जाना है, और साथ में जा रहा है ये सर्चिंग डॉग। क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं ना, हमारे को इसकी भी बहुत ज़रूरत है। क्यों क्यों गोल्डी? लद्दाख जाएगा गोल्डू? लद्दाख जाएगा गोल्डू? गोल्डू लद्दाख जाएगा? नहीं, बैग पैक कर, चल बिठाऊंगा तेरे को गाड़ी में। सो भाई, तैयारी हो गई है पूरी, और ये देख लो भाई, ये फटाफट से, आ हा हा क्या बात है। इसने जिम्मेदारी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इसने जिम्मेदारी उठाई है भाई नेक्सॉन को लद्दाख पहुँचाने की। ठीक है, एक हमारा सुस्त आदमी, देखो भाई ये देखो, टाइम देखो, 4:15 हो गए हैं, लेकिन देखो एक सुस्त आदमी अभी भी। सौरभ निकलना नहीं है क्या? चलो। सो सबसे लास्ट अंत में उठने वाला व्यक्ति सब नहीं, वैसे आधी रात में आया था भाई, 2 बजे पहुंचा था ये पानीपत फरीदाबाद से। है क्या बात है। सो अब सारे बैग्स रख दिए हैं गाड़ी में, मेरा लगेज है मेरी बाइक के ऊपर, तैयारी हो गई है पूरी। माँ प्यो अभी सुते पए ने, हाले पता नहीं, थोड़ी देर छूट जाएंगे नाल। चलो, समय है टाटा बाय बाय करने का। अब ठीक निकलने से पहले भाई, सुबह सुबह ये है शांत हालात, और मम्मी भी उठ गई है और पापू भी उठ गए हैं, और चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो भाई, सुबह सुबह ऐसा ही होता है। अब यहाँ से अपने एरिया से निकलने की करते हैं तैयारी, क्योंकि सफर है बहुत लंबा और आगे अभी मिलना भी है, तो जय माता दी करते हैं और निकलते हैं। चल भाई चीते, लेट्स रॉक एंड रोल बेबी। और भाई ये मेरा एक चीता यहाँ खड़ा है, बाय बाय चीते, मिलेंगे 10 दिन बाद। यहाँ से निकल के भाई अब फटाफट से अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मुलाकात कर लेते हैं। तो भाई अपना कुरुक्षेत्र क्रॉस करके और हम लोग अब पहुँच गए हैं। सुना क्या बदला बताओ, सुना क्या बदला, कैमरा आई, हाँ कैमरा, कुरुक्षेत्र पहुँच गया है, कुरुक्षेत्र भी बल्कि क्रॉस कर लिया है। हम यहाँ लेंगे थोड़ा सा चाय का ब्रेक, और ये गाड़ी वाले गाड़ी वाले लोग सोते भी आ रहे हैं। सब सुस्त हो रखे, इसलिए मैंने रोका, मैं क्या चलो एक बार चाय का जोश भर दें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। बूबी क्या हो गया, तो अब से पहले थक गया क्या? अब से पहले थक गया, टंकी में लेटने को हो रहा है, तू क्या दिक्कत है? तेरी एनर्जी के लिए तो नहीं सकते भाई, रुकने की जरूरत इसलिए नहीं थी, इसलिए थी क्योंकि अपन ने सुबह कुछ खाया पिया नहीं है, बिल्कुल खाली। यहाँ से निकलने की तैयारी कर ली है, एक बार रचित के साथ इंटरकॉम कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट कर लेते हैं ताकि रास्ते पर बात कर सकें। ठीक है रचित, और इंटरकॉम अपना सेट हो गया, और बस चल मेरे भाई निकलते हैं। सैंडी ये बात लेके अपने चीते को निकलते हैं और रॉक एंड रोल करते हैं। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं लुधियाना वाली रोड पे, सुबह सुबह का ट्रैफिक ये हाल बता रहा है कि ठीक ऑफिस आवर्स से हम लोगों ने क्लैश कर लिया है, और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सुबह तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे इसी चीज को इग्नोर करने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है। ये देख लो भाई, बॉबी तो अब से पहले उठ उठ के चलाने लगा है, अब से पहले दर्द होने लगा है इसको। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, अब लुधियाना पहुंचना है और दमन इज वेटिंग।
स्वागत है जी अपना, पहुंच गए आप लुधियाना टोल ते, बंदा मिल गया सानू दमनिया नाले, वो किथे गया वो उधर वो खड़िया नाले, ये है गौरव ए ए ए ज्यादा पढ़ना। तो भाई यहाँ चल रही है लेमन की तैयारी और गर्मी है बहुत ज्यादा। दमन ने क्या किया है, दमन लेके आया भाई अपनी नई बाइक, और इसकी नई बाइक ने हमारी बाइक की वैल्यू डाउन कर दिया। हाँ जी, दमन ले आया KTM, ठीक है जी। अब इस पे फोकस ज्यादा है, इस पे फोकस कम है। अरे वो देख लें। तो भाई यहाँ से अपना शिकंजी पी के और अब नेक्स्ट ब्रेक अपना लगेगा पठानकोट, पठानकोट या उससे आगे, ठीक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। साइड में ट्रेन चल रही है तो अक्सर आपको ये गाना याद आ ही जाता होगा। भाई मुझे भी देखते सबसे पहले यही गाना याद आया, लेकिन हाँ ट्रेन में बैठी कोई दिखी नहीं जिसको देख के मैं ये गाना गाता। अफसोस है इस बात का, लेकिन चलो अब ट्रेन हो चली हमसे दूर दूर जा रही है और हम अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। और भाई रोड पे इस वक्त नजारा है कुछ ऐसा, मेरे आगे रचित बूब और भाई उसके आगे गौरव चल रहा है। तो सवारी पहुंच गई है पठानकोट, पठानकोट से जस्ट 20 किलोमीटर पहले, और यहाँ चल रहा है जूसम जूस। ये देखो भाई गन्ने का जूस, सारे साफ बन के बैठ गए। और ये हमारा गौर से देखो, ये वही झाड़ू वाला है जो पहले था, और ये आगे भी यही हरकतें करने वाला है जो इसने स्पीति में करी थी। और भाई एक काम की चीज़ दिखाते हैं तुम्हारे को, देखो कुछ लौंडों ने क्या किया है। ये देखो भाई, इसे कहते हैं जिंदगी के मजे। ये तो भाई आप अपना पठानकोट क्रॉस करके करेंगे लंच, लंच में मिलते हैं। तो जी पहले दिन आ गई है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या, बाइक में हो रही है बबलिंग। खाना खाने के लिए पठानकोट से आगे निकल के स्टे किया है भाई, कोई पंजाबी में लिखा पढ़ने में नहीं आएगा, साके दा ढाबा काइंड ऑफ। अपनी बाइक में इशू हो गया बोले तो, परसों हमने टायर चेंज कराया था उसकी वीडियो हमने डाली थी, उस कंबकत को टायर डालना नहीं आया, लाइनिंग मिस हो रही है टायर की। देखो दिखाते हैं, ये लाइनिंग होती है भाई टायर की, और ये यहाँ से अंदर हो गई फिर ये बाहर हो गई, जिसकी वजह से ये बबलिंग कर रहा है भाई। गुड चांस जहाँ खाना खाने के लिए रुके वहाँ पे है एक भैया की शॉप, और इसका अरेंजमेंट अब हो जाएगा बाय द टाइम जब तक हम लोग खाना खा के निकलेंगे। बाकी भाई बाकी सारे चीते बैठे अंदर, वो देख लो वार्तालाप चल रही है बहुत गहन कि हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे उधमपुर। इन एनी केस अगर लेट होते हैं तो बीच में नहीं पहुंचना, हमें पटनी टॉप है, लेकिन अगर लेट हुए तो उधमपुर में स्टे होगा। सो फाइनली समय पे पता लग गया, रचित ने बता दिया था मुझे कि टायर में कुछ इशू है, एंड बाकी सब लोग भी इस चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्स हैं कि टाइम भी चीज़ें ठीक हो गई, अब स्मूथ चलेगी आगे राइड। और थैंक्स टू भैया जी कि सब ओके कर दिया इन्होंने बिल्कुल ऑन द वे। अब यहाँ से इन हसीन वादियों में आपका स्वागत है, और ऐसी ही मेरी बाकी वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए मुझे अपना प्यार देते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लव यू गाइस, जय हिंद।